नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं काफी दिलचस्प टॉपिक है, आप सभी को प्रायः पता होगा ही। तो ये टॉपिक जो है ना, इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि इजराइल के साथ जो संबंध यूएन के बिगड़ रहे हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं और इसके पीछे आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, आखिर इजराइल जो है वो यूएन से क्यों खफा है, क्यों नाराज है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इसराइल से क्यों खफा है, आखिर ऐसी क्या वजह है, पूरी बात को समझेंगे और चर्चा करेंगे इस पर डिटेल में। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरी बातों को। देखिए, आप सभी को ये बात तो पूर्णतः पता ही होगी कि इसराइल और हिजबुल्ला आपस में आमने सामने हैं और पूरा मामला इसी को लेकर है कि दक्षिणी लेबनान जो है वहां पर यूएन के लिए जो काम करने वाले शांति सैनिक हैं उनकी मौजूदगी है और इस विवाद की जड़ है सालों से दोनों के बीच कायम अविश्वास और आरोप प्रत्यारोप, यानी इसराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है। ताजा घटनाक्रम यह है कि यूएन पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है उसके प्रमुख ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू तो बेंजामिन नेतन्याहू के आग्रह को अस्वीकार कर दिया। एक तरह से इसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशन अंतरिम फोर्स इन लेबनान को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना 1978 में हुई थी, आप सभी इस डेट को याद रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। 1978 वो ये वर्ष जो था ना, इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद फिर देखिए कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला हुआ था, उसके बाद हुई थी 2006 में जब इजरायल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध हुआ, तो उसके बाद वहाँ शांति और निगरानी बनाए रखने के लिए इसकी भूमिका बढ़ गई थी, ठीक है। चलो, तो फिर ये कुछ बातें हैं जो अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी ज्यादा चल रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि हम आपको डिटेल वाइज बिंदुवार पॉइंट वाइज बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे के घटनाक्रम क्या रहने वाले हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको पता होना चाहिए, एक अभ्यर्थी के तौर पर, एक जिज्ञासु के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और इसराइल आगे क्या कर सकता है। इसको लेकर भी सोच सकते हैं आप कि इसराइल ने कहा है कि वो उत्तरी गजा में ज्यादा खाना और मेडिकल सामग्री भेज रहा है, जबकि हमास इस कोशिश में है कि आम लोग दवालिया छोड़कर न जाएं, वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है। वही संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं हम यहाँ पर, इजराइल जो है एक तरह से कानूनी कदम उठाने जा रहा है इसके विरुद्ध। यूएन जो आरडब्ल्यूए है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय है, इसका गठन 70 साल से भी पहले किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में फलस्तीनी शरणार्थियों की मदद करना था, इसमें गजा और वेस्ट बैंक भी शामिल है। तो अब देखते हैं यूएन के साथ इजराइल के रास्ते, इजराइल के जो संबंध है वो काफी बदतर हालत में चले गए हैं। यूएन में इजराइल के राजदूत जो है उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में यूएन आरडब्ल्यूए ने हमास को अपने सिपाहियों में घुसपैठ करने की अनुमति दी है, यह घुसपैठनी गहरी और संस्थागत है, इसे सुधारना असंभव है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अविश्वास की गहरे जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हो गई है और इसको पाटना फिलहाल असंभव दिखता जा रहा है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम समझते हैं बिंदुवार। एक मैंने आपको इंट्रो दे दिया था कि क्या क्या बातें हो रही है, अब बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो यूएन शांति मिशन है, देखिए एक सैनिक है लेबनान में यूएन पीस कीपिंग का, जो आपको दिख रहा है इमेज में, ठीक है। यूएन शांति मिशन का उद्देश्य देखते हैं क्या है। देखिए, अभी मैंने बताया यूएन शांति सैनिक, जिसे कि हम यूनिफिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है। ये 1978, मैंने ये आपको डेट अभी मेंशन किया था, तब से ये तैनात है वहां पर और लेबनान में। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो इजराइल और लेबनान के बीच शांति और स्थिरता को बहाल करना है, बनाए रखना है कि एक तरह से माहौल ना बिगड़े। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं क्या है, दूसरे पॉइंट के तौर पर हमने लिया है इसको। इजराइल ऐसा सोचता है, उसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यूनिफिल जो है ये हिजबुल्ला जैसे सशस्त्र समूहों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी नहीं कर पा रहा है, या एक तरह से कह रहा है कि वो इनसे सही ढंग से निपट नहीं रहा है। जो सशस्त्र समूह है जो इजराइल के लिए खतरा बने हुए हैं, तो उसको लेकर इजराइल की सुरक्षा चिंताएं यहाँ पर है, इजराइल ये ऐसा मानता है। और देखिए, इसके परिणाम स्वरूप हिजबुल्ला के जो सशस्त्र संचालन है और इनके मिसाइल भंडारण पर इजराइल की चिंता रहती है और एक तरह से रहनी भी चाहिए, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये जो संगठन है जो बीच बीच में छद्म वॉर करते रहते हैं, इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। देख सकते हैं ये यूएन पीस कीपिंग मिशन के, बाकी इसराइल की सेना है ना, इसराइल की सेना भी लगी हुई है अपने क्षेत्र में। हिजबुल्ला की गतिविधियां देखें तो इसराइल का आरोप है, जैसे बताया मैंने आपको कि ये लेबनानी शिया समूह जो है वो यूएन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ पे हथियारों का एक तरह से जो संचय है, अकुमुलेशन, यानी हथियारों को वहाँ पे जमा करता है, क्योंकि इसे एक तरह से लगता है कि वो क्षेत्र सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात है और ट्रेनिंग कैंप जो हिजबुल्ला के हैं वहीं पे चलते हैं। यूएन की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है इसराइल के द्वारा। इसराइल का मानना है, कहना है कि यूनिफिल ने हिजबुल्ला की गतिविधियों के बारे में सही जानकारी नहीं दी या इसकी रिपोर्टिंग में संकोच किया है। तो अविश्वास की भावना जो है वो चरम पर है। कुछ मामलों में इसराइल का यह भी आरोप है कि यूनिफिल ने हिजबुल्ला के ठिकानों की पहचान करने में चूक की है, यानी अकर्मण्यता का आरोप भी लगाया गया है।
तो यूएन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहनों पर, टैंकों पर आदि पर यूएन के यहाँ पे नाम मेंशन है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स है। आंतरिक राजनीतिक दबाव देखते हैं, लेबनान में यूनिफिल के जो कार्यों पर राजनीतिक विवाद भी होते हैं, कुछ लेबनानी राजनीतिक दल और नागरिक संगठन जो है वो यूएन मिशन का समर्थन करते हैं कि ये हमारे लिए है, हमारी सहायता के लिए है, लेकिन कुछ जो राजनीतिक दल है कहाँ के, वो लेबनान के, और जो नागरिक यानी कि सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इसका विरोध भी करते हैं और इसे अपनी सोवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, उसके विरुद्ध मानते हैं कि ये बाहरी सेना है और बाहरी सेना को अपने देश में नहीं रहने देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स एवं सार्वजनिक धारणा की बात करते हैं, कई बार मीडिया में ऐसी जानकारी आई है कि हिजबुल्ला यूनिफिल के साथ सहयोग कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, जिससे इजराइल की जो चिंताएं हैं और बढ़ती जा रही हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू जो है बिल्कुल चुप रहने वाले में से तो है नहीं। जैसे कि आप सभी पता है इजराइल टेक्निकली कितना मजबूत है, हाल ही में जो पेजर वाला जो कांड हुआ था, पेजर ब्लास्ट हुआ था वहां पर, कहां पर, ये लेबनान में हिजबुल्ला पर जिस प्रकार से अटैक किया था, तो इजराइल जो है एक तरह से कोई साधारण शक्ति तो है नहीं। विभिन्न घटनाएं एवं तनाव की बात करते हैं, जैसे कि सीमा पर संघर्ष की बात करें या फिर संघर्ष या मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने जो यूएन की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं और दोनों के बीच विवाद जो है, तनाव जो है बढ़ता गया है। इसराइल की प्रतिक्रिया जो है, इसराइल ने कई बार यूएन मिशन की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग की है, और यदि जो सिचुएशन है या फिर उस व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो इसने एक तरफा कार्रवाई की धमकी दी है। तो ये बातें हैं जो इसराइल के जो चिंता के जो कारण है उसको बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, और कोई भी देश इसे सहन नहीं करेगा कि उसके लिए समस्या आए, और विशेषकर जो बेंजामिन नेतन्याहू है, नेतन्याहू इस मामले को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आपके जो अगल बगल है, जो आपके अगल बगल देश है, वो एक तरह से आपको टारगेट करते रहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो चिंतित होना लाजमी है। जो भी कोई देश है और जिसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन मुल्क हों, या फिर कहें कि ऐसे मुल्क हों जो आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय दे रहे हैं इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल के लिए चिंतित होना लाजमी तो है ही। तो ठीक है, तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत इसराइल की जो विशेष परिस्थितियां हैं अभी उस पर चर्चा की। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर कल या परसों डेली वाइज प्रयास रहेगा कि हम प्रतिदिन से लेकर आए कुछ विशेष मुद्दे पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।